लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के जरिए संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में केवल 2 राजकीय संस्कृत महाविद्यालय थे। सरकार के जरिए 15 नवीन संस्कृत महाविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया, जिसके लिए 100 करोड़ राशि प्रदान की गई है। 95 करोड़ सरकार देगी। 5 करोड़ की धनराशि विधायक सांसद निधि और पूर्व छात्रों के जरिए दी जा सकती है। शिक्षकों के लिए 20 जुलाई से शिक्षक सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। में कितने लोग हमारी संस्कृति का पूर्ण रूप से विकास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं और धार्मिक उपदेश दे रहे हैं, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बढ़ावा मिल रहा है और उसकी मर्यादा कायम है। इस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा संस्कृत के लिए पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सारे एक स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और इससे हमारे संस्कृत के लिए बढ़ावा मिलेगा।